नमस्ते, राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको पेपर फर्स्ट पढ़ाना स्टार्ट किया और पेपर सेकंड दोनों में साथ साथ में पढ़ा रही हूँ। तो पेपर फर्स्ट में मैंने आपको जो आपका पहला यूनिट था, जिसमें आपको सीलिएंट रेटा तक पढ़ना था, वो आज इसके पहले लेक्चर्स में कवर हो चुका पूरा। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकेंड यूनिट, जिसमें कि आपको स्टार्ट करना है टीनोफोरा से। टीनोफोरा का केवल आपको सैलियंट फीचर यानी कि जनरल कैरेक्टर जो उसके होते हैं, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। बाकी सब में था एनिमल्स, कुछ एनिमल्स थे उनके जिसके बारे में पढ़ना था, लेकिन टीनोफोरा में सिर्फ आपको उसका सैलियंट फीचर पढ़ना है कि उसके मेन मेन कैरेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम टीनोफोरा का सेलियंट फीचर कवर करेंगे पूरा। जो भी चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और बात की जाए तो अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो पहले तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि टीनोफोरा सेलेंट रेटा से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी या मोस्ट ऑफ द सिमिलरिटी यानी कि समानता शो करता है, दिखाता है। ठीक है, और टीनोफोरा जो होता है, इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, उन स्पेशल कैरेक्टर को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टीनोफोरा की। आपकी क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी तो आप सबने पढ़ी होगी। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को ज़रूर देखा होगा। 12 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो इस स्ट्रक्चर को ज़रूर देखा होगा जब आपने फाइलम टीनोफोरा के बारे में पढ़ा होगा। ये स्ट्रक्चर थोड़े कलर्ड में है वहाँ पे, ठीक है। तो टीनोफोरा का सबसे मेन कैरेक्टर क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको 8 कॉम्ब प्लेट्स दिख रही होंगी, ठीक है। टीनोस का मतलब ही होता है कॉम्ब, और फोरा का मतलब होता है बियरर। कहीं भी फोरा का मतलब अगर है, तो उसका मतलब क्या होता है, बियरर, धारण करने वाला, बियर करने वाला, ठीक है। जैसे कि आपने पोड़ी फेरा पढ़ा था, तो कॉम्ब प्लेट जिसके पास है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है गोसा, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ये पाई जाएंगी। इस तरीके से इनमें सीलिया पाया जाएगा, कॉम्ब लाइक, जैसे आपकी कंघी होती है जिससे आप बाल अपने संवारते हैं, तो कॉम्ब लाइक होते हैं। ओके, मैंने ऐसे जस्ट जोक के लिए कह दिया, तो कॉम्ब लाइक होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, टीनोफोर्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा समझ के पढ़ाती हूँ कि आपका बेसिक्स नहीं, आपको बेसिक से पढ़ाया जाए ताकि आपकी जड़ें मजबूत हों। तो इनमें जो है, ये है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इनमें 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, इस वजह से इन्हें टीनोफोरा कहा जाता है। अब इनके कॉमन नेम की बात की जाए, तो पहली बात, ये सारे क्या हैं, मरीन एनिमल्स हैं। मरीन एनिमल्स यानी कि दे आर प्रेजेंट इन सी वाटर, ठीक है। मरीन और फ्रेश वाटर दो होते हैं, तो ये पॉन्ड वगैरह में नहीं पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में, ठीक है, समुद्र वगैरह में मरीन एनिमल्स हैं। और इनको किन किन नामों से जाना जाता है, इनको सी वॉलनट भी कहा जाता है, उसी की तरह दिखते हैं, या कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। कॉम्ब जेली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, और ये कॉम्ब प्लेट्स लोकोमोशन यानी कि इनके चलने में हेल्प करती हैं। ये ग्रीक वर्ड टीनोफोरा से बना है, जिसमें टीनोस का मतलब होता है कॉम्ब, फोरा का मतलब होता है बियरर, ठीक है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो कॉम्ब बियरर होते हैं ये, इनके पास 8 कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन यानी कि चलने में, ठीक है, इसमें हेल्प करते हैं लोकोमोशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉम्ब प्लेट्स आर हेल्पफुल इन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस में हेल्पफुल होते हैं, लोकोमोशन में। अब बात की जाए तो ये मरीन हैं, सॉलिटरी हैं, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, यानी कि फ्रीली स्विम करेंगे। जब इनके पास कॉम्ब प्लेट है, सीलिया पाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, फ्रीली स्विम करेंगे, या इनके कुछ ऑर्गेनिज्म पिलेजिक भी हो सकते हैं, ये एक जगह पे पाए जा सकते होंगे, फ्री स्विमिंग नहीं होंगे, ठीक है। इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, जैसा कि आपने ऑरेलिया में देखा था, मेडुसा में देखा था, उनकी भी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी, ऊपर से ही गोनट्स जो थे चार उनके, वो दिख जा रहे थे, ठीक है। तो उसी तरीके से इनकी बॉडी भी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अगर सिमेट्री की बात की जाए, तो इनमें कैसे सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दो एक्सिस पाया जाता है, ये हो गया आपका ओरल एक्सिस, और ये नीचे की तरफ एबोरल एक्सिस,
इनको बोला जाता है, ठीक है। ओरल और एबोरल एक्सिस इनमें पाया जाता है, ठीक है। इनकी बॉडी में जो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल सेल के बाद कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रिट्रैक्टाइल टेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ये देख सकते हैं टेंट्रिकल्स यहाँ पे हैं, जो कि क्या होते हैं एबोरल रीजन में, इस रीजन में पाए जाते हैं, एबोरल रीजन में पाए जाते हैं। जो सरफेस ऑफ टेंटिकल होता है उनमें स्पेशलाइज्ड ग्लू सेल पाए जाते हैं जिनको कोलोब्लास्ट या लासो सेल कहा जाता है, ठीक है। कोलोब्लास्ट या लासो सेल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलोब्लास्ट या लासो सेल कौन से फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोलोब्लास्ट और लासो सेल। तो ये क्या करते हैं, एक स्टिकी सबस्टांस सेक्रेट करते हैं जो कि इसमें हेल्प करता है, जो कि जो स्मॉल प्रे होते हैं यानी कि जो जिनको ये खाते हैं, प्रे मतलब प्रे और प्रीडेटर आप जानते होंगे, प्रे जिस पे आप हमला करते हैं, प्रीडेटर जो हमला करता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं पकड़ने में, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है, कोलोब्लास्ट या लासो सेल इनके टेंटिकल्स में पाया जाता है, ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट कर दूं इस तरीके से, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इनमें दो एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, बीच का जो मीजोडर्म होता है वो एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे मिडिल जेली लाइक मीजोग्लिया पाए जाते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं सेल में और मसल फाइबर में, ठीक है। इनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इनमें पाई जाती है जिनमें फेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। स्टमक एंड सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल्स एंड टू एबोरल्स एंड पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। ये इनके कैरेक्टर्स हैं। आगे इनके कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि डाइजेशन इनमें कैसा होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। इसका मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर, जैसे कि हम लोगों का क्या है, इंट्रा सेलुलर, हम लोगों की बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, तो इनका जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर एज वेल एज बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसा कि निमेटोसिस्ट आपने पढ़ा था, सिलेंट्रेटा का क्या होता है, कैरेक्टर होता है, उनमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, वो इनमें क्या होते हैं, कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, इनमें जो है निमेटोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होता है। निमेटोसिस्ट के बारे में आपने सिलेंट्रेटा में बहुत अच्छे से पढ़ा था, चाहे वो बिलिया हो और एलिया हो, हर जगह पर प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। बात की जाए अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, या स्केलेटल या एक्सक्रेटरी सिस्टम की, ये सारी चीज़ें इनमें क्या होते हैं, कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो इनमें क्या ही पाया जाएगा, अगर ऑर्गन लेवल का होता है, ये सब क्या होते हैं, आपके ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, तो जब ऑर्गन सिस्टम ही एब्सेंट है तो ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इनका नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिफ्यूज्ड टाइप का, सेल में ही क्या होगा, इनका नर्वस सिस्टम डिफ्यूज़ होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाएगा तो उसके सेल में ही क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा, ठीक है। एंड एबोरल इंड बियर्स ए सेंसरी ऑर्गन, इनका जो एबोरल इंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरा ऊपर वाला क्या था, ओरल, और नीचे एबोरल इंड था, तो एबोरल इंड पे इनके क्या पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन, जो कि सेंस करते हैं किसी चीज़ को, जैसे हम लोग के सेंसरी ऑर्गन से टच करते हैं हम लोग, स्किन हो गया, नोज हो गया, और टंग्स हो गए आपके, तो ऐसे इनके भी सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्टैटोसिस्ट, जो कि आपके सीलेंट्रेटा में भी पाया जा रहा था, ऑरेलिया में मैंने आपको बताया था कि उसके रोपेलियम में तीन टाइप के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर था आपके ऑरेलिया में यानी कि सीलेंट्रेटा का, ये इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट, ठीक है। आपको कैरेक्टर देगा तीन चार, और उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डाल देगा, और देख कहेगा किस क्लास का कैरेक्टर है, तो अगर आप टीनोफोरा दिया है तो टीनोफोरा पे ना लगा के किस पे लगाएंगे, सीलेंट्रेटा पे, ठीक है। सीलेंट्रेटा के ये कैरेक्टर है, ना कि टीनोफोरा के। टीनोफोरा में ये एकदम से क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल इनमें पाया जाता है, सारे मोनोएसियस होते हैं या हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मोनोएसियस का क्या मतलब होता है, ऐसे एनिमल जिनमें मेल और फीमेल क्या हो, एक ही बॉडी में पाया जाए, ऐसा नहीं है कि मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। जैसे कि मैंस में होता है, ह्यूमंस में होता है, डॉग्स में होता है, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं।
बात की जाए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि गोनड की इनकी ओरिजिन कैसी होती है, तो इनके गोनड जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, एंडोडर्म में, जो इनका एंडोडर्मल रीजन होता है गोनड इनके वहाँ पे पाए जाते हैं। और इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, बाहर होता है, वाटर में होता है, ठीक है। दोनों मेल और फीमेल पार्ट जो होंगे वो अपने क्या करते हैं, स्पर्म और ओवा को रिलीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन बाहर इनका वाटर में होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, इस तरीके से ओवा और स्पर्म ये पानी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन इनका क्या होता है बाहर की तरफ हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनका क्या होता है, डिटर्मिनेट, यानी कि डिटर्मिनेट का मतलब होता है अगर किसी सेल को जो है स्टेटोसिस्ट बनना है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, स्टेटोसिस्ट ही बनेगा, उसको आप कहीं भी उठा के लगा दीजिए वो स्टेटोसिस्ट ही बनेगा, ठीक है। डिटरमाइन होते हैं, जो इन जो है वही बनेगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में कई बार आपको बता चुकी हूँ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें कोई ना कोई क्या होगा, लार्वा जो है इन्वॉल्व होगा, तो इनमें जो लार्वा इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, सिडीपीड लार्वा, ये नाम देखिए आपसे पूछ सकता है, सिडीपीड लार्वा क्या होते हैं इनके, जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और दूसरा ये क्या है, कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं, रीजनरेशन का, यानी कि अगर इनको कहीं से कट कर दिया जाए तो वो बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाती है। जैसे आपने अपने घर में छिपकली जरूर देखी होगी, ठीक है, लिजर्ड, ठीक है, होम लिजर्ड, तो अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो आप देखते होंगे कुछ दिनों बाद फिर से उसकी पूंछ आ जाती है, वो क्या होती है उसके अंदर रीजनरेशन, फिर से जनरेट होने की, फिर से बनाने की उसमें क्या होती है पावर होती है, तो इनमें क्या होता है रीजनरेशन पाया जाता है। और बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट इमिट करना। आपने जुगनू जरूर देखा होगा, सभी ने जुगनू जरूर देखा होगा, जो रात में उड़ते हैं फायरफ्लाइज जिनको बोला जाता है, वो अपने पीछे से क्या करते हैं, एक लाइट इमिट करते हैं, एक लाइट छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो चमकते हैं, उसी तरीके से इनमें भी बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, ये भी लाइट इमिट करते हैं रात के टाइम में, जो कि इनका कॉमन फीचर है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात की जाए इनके एग्जांपल्स की, तो इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे प्लूरोब्रैकिया जिसे कि सी गूजबेरी कहते हैं, हॉर्माइफोरा, ठीक है, मिनिमियोपसिस, ठीक है, जिसे कि सी वॉलनट कहते हैं, सिस्टम जिसे कि वेनस गर्डल कहते हैं, वेलामिन, टीनोप्लाना और सीनोप्लाना, ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स थे। अब मैंने आपके लिए डायग्राम भी रखे हैं इनके एग्जांपल्स की, ये डायग्राम थोड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इसका, मैं जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड करती हूँ आपको, तो वहाँ पे ये डायग्राम आपको अच्छे से दिखेंगे। ये देख सकते हैं, ये एग्जांपल है आपके प्लूरोब्रैकिया का, प्लूरोब्रैकिया में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये एबोरल सेंस ऑर्गन, इनके एबोरल पार्ट है, ठीक है, नीचे की तरफ ओरल पार्ट है, इस तरीके से रिट्रैक्टाइल टेंटिकल है, टेंटिकल सीथ है इनमें, स्टमक, टेंटेकुलर सीथ, सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स देखिए इनमें किस तरीके से पाए जा रहे हैं, एबोरल कैनाल्स किस तरीके से पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, प्लूरोब्रैकिया का। एक और एनिमल इनका आप देख सकते हैं क्या है, टीनोप्लाना, टीनोप्लाना आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें कॉम्ब रोज पाए जा रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड इसका दिखाया गया है, स्टेटोसिस्ट दिखाया गया है, ठीक है, ये हो गया आपका टीनोप्लाना। थर्ड ऑर्गेनिज्म मैंने रखा है सीलोप्लाना, ठीक है, ये देख सकते हैं आप सीलोप्लाना, इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, सैलिएंट फीचर थे किसके, फाइलम टीनोफोरा के, क्योंकि आपको इसका सिर्फ सैलिएंट फीचर ही पढ़ना था, यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ टीनोफोरा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका चाहे ऑप्शनल पेपर हो या चाहे रिटन पेपर हो, इतना कंटेंट आपके लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसमें से इतना ही पूछा जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसी तरह पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू एवरीवन।